ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। अप्रैल 10, 2024। बाप दादा मधुमेह। शिव बाबा के महावाक्य है, प्रातः मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। इसलिए बाबा के पास जब जाते हैं तो दुनिया का संग से दूर रहना है जितना हो सके उतना, और वहाँ जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो हमें लक्ष्य लेकर जाना है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी वहाँ तपस्या करें। इसलिए बाबा कहते हैं तुम आते क्यों हो? रिफ्रेश होने के। किसके पास जाते हो? बाबा के। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी जरमुई जगमुई की बातें नहीं करो। पर चिंतन जो हम करते हैं, बाबा कहते हैं वो नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। बाबा कहते कोई भी कोई बात सुनाता है जो हमें पसंद ना हो तो ऐसा भी नहीं है कि कान बंद कर देना। सुनी अनसुनी मतलब सुनना है मगर दूसरों को नहीं सुनाना है उसको, अनसुनी। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। बाबा कहते हैं जो भी हमारी ड्यूटी है सेवा की, मतलब खाली सेंटर की या बाहर की नहीं, बाबा के अपने घर की सेवा हो, नौकरी धंधा हो, सब सेवा। कहाँ भी बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि अपना संसार या ड्यूटी छोड़कर भाग जाओ, जी नहीं। इसलिए बाबा कहते कोई भी सेवा करते हो घर काम भी बाबा की सेवा समझ कर करो। तो बाबा कहते ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहना। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं, है ना? आदत जो पड़ जाती है जिसको बाबा जरमुई जगमुई कहते हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। और जरमुई जगमुई बातों में क्या होता है? दूसरे का पर चिंतन होता है, पर दर्शन होता है और पर मत होती है। और हमेशा क्या देखते हैं? नेगेटिव या तो व्यर्थ। इसलिए इसमें किसी की उन्नति नहीं होती, ना हमारी ना दूसरों की। और हम जैसे बात करेंगे तो वाइब्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा और वहाँ तक टच होगा ही। इसलिए बाबा कहते उन्हें छोड़ो, जरमुई जगमुई व्यर्थ चिंतन की बातें नहीं करो। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है, एक बाबा बोलता है एक दादा बोलता है, इसलिए डबल ओम शांति। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, ओम शांति मतलब तो बाबा कहते हैं मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, सामने वाले भी आत्मा है शांत स्वरूप, भले गुस्सा करती है, ओरिजिनल स्वरूप देखना है। जब मेरा धर्म है ही शांत तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। इतना भी बाबा कहते घूमो फिरो, जंगल में चले जाओ मगर अंदर शांति नहीं है, स्वधर्म में शांति नहीं है, टिकते नहीं है उसमें तो शांति मिल नहीं सकती। और वो टिकने के लिए हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, गो विदिन। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ, बाबा भी क्या है? शांति का सागर है, वो भी आत्मा है। और आत्मा का या परम आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांति है। यह तो बहुत सहज है परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। संडे की मुंडी, थोड़ा फल मिल गया तो हम तो खुश हो जाते हैं। अगर मुंडी हम मान लेते हैं हम बहुत ही सुखी है, बहुत ही खुश है, बाबा कहते हैं वो तो बाहर की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है, मन उससे संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अंदर जाओ, गो विदिन। माया तो बाबा कहते हैं विघ्न डालेगी ही, डिफिकल्टी डालेगी ही। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके, किसी के पास है ही नहीं तो देंगे कैसे। और जैसे ही ये चक्कर पूरा होता है कलयुग का अंत, सब कुछ प्रायलोक हो जाता है।
इसलिए किसी के पास रहता ही नहीं है, यदि है ही नहीं तो क्या देंगे। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता, कभी भी नहीं। कोई भी देहधारी हो, चाहे देवता हो, देवदूत हो, धर्म स्थापक हो, धर्म पिता हो, धर्मात्मा हो, कोई भी हो, किसी को भी परमात्मा या ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। वो स्वरूप जरूर है, परमात्मा के समान है, सागर नहीं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। क्रिएटर जो है उसमें ही ये ज्ञान है, हम सब उनकी क्रिएशन है, चाहे देवता चाहे मनुष्य, सब किस कोई के अंदर ये पूरा ज्ञान नहीं है। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। मर्क्यूरी जो आता है पारा, उसको कितना भी पकड़ना चाहो पकड़ नहीं सकते, छूट जाता है। इसी तरह बाबा कहते हैं बाप की याद भी क्या है, पारे मिसल है, बार बार छूट जाती। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे ना, लौकिक स्कूल में भी चले जाओ, कोई नंबर वन है, कोई नंबर लास्ट है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं नंबर वार होंगे ने, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। वहाँ एक ही फैमिली है, वहाँ नंबर गिनने की बात नहीं होती, यह स्कूल है। इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा जो ज्ञान दे रहा है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, टीचर के रूप में सब कुछ पढ़ा रहा है। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति में भी सतो और रजोतम, और भक्ति बनती है ज्ञान के आधार पर ही, हर चीज ज्ञान की स्थूल में भक्ति। इसलिए भक्ति का फल होता है ज्ञान। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके क्योंकि सब देहधारी। ज्ञान किसके पास है, एक ही परमात्मा जो विदेही है, अशरीर है, उनके पास। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, है ना। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, उनको अपना आकार ही नहीं है, देह नहीं है, तो कैसे पूजा करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। वह किसकी भक्ति करेंगे, एक ही बाप है जिसको देह नहीं, बाकी सब देहधारी है। देह होने के कारण देह के धर्म है, देह की जेंडर है, देह की उम्र है, सब कुछ देह का। हम देह नहीं है, परमात्मा को अपनी देह ही नहीं। हमको तो 84 देह लेते हैं, अभी समझना है आत्मा। वह किसकी भक्ति नहीं करते क्योंकि देह ही नहीं, देह होगा तो भक्ति करेंगे ना। बाकी जो देहदारी है वह सब भक्ति करते हैं। क्यों, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। चाहे स्थूल में नहीं, हमारे दादे परदादे होते तो फोटो रखते हैं ना, चित्र होता है, तो उनको आँखों से देखा जा सकता है। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती क्योंकि बाप को देखा नहीं जा सकता। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का परसा, बाप बिकर तो मिल न सके। हद का वर्षा हद के पिता से मिलता है, बेहद का वलता वर्षा परम पिता परमात्मा से मिलता है, क्योंकि उसके पास कोई हदे है नहीं। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली, 2500 साल तक। 8 जन्म सतयुग सूर्यवंशी, 12 जन्म त्रेतायुग चंद्रवंशी, दोनों 1250 से 1250 साल, टोटल 2500 साल तक। तुम बच्चे जानते हो, यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता न सके। किसी के पास ज्ञान ही नहीं है, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, तो बताएंगे कैसे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के सिवाय कोई बता ही नहीं सकते, कितना भी वो माथा मारे। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई बता नहीं सकता। ज्ञान सागर एक बाप ही है, वही बता सकता है।
देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और कोई दे नहीं सकता। वह तुम बच्चों को मिल रहा, बाबा अभी दे रहा। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। बल्कि जो पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। तो बाबा कहते इसमें बड़ी समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सॉरी, बाप समझाते हैं तुमको, सॉरी 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली, तुम बच्चे ही जानते हो यह कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन व बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि ईजी बात नहीं है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे, जो देवता घराने की आत्मा होगी वही समझेंगी, दूसरे समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि संस्कार ही नहीं होंगे, टच नहीं होगा। यह चक्र भी समझाया गया है, पूरा चक्र जो घूमता है, यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है, खाली हमारे लिए नहीं, सबके लिए। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। गुर गुर मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, समझते नहीं है, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझा कर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएगी। क्यों बाबा हॉल की बात कर रहे हैं? कि हम प्रदर्शनी हॉल में लगा सके, इसलिए तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, है ना, बाबा खुद थोड़ा जाएगा, वो हमें नॉलेज देगा, हमें और को देनी है। भगवान उवाच, जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके, एक भी नहीं बन। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं, वो है सर्वोच्च, जो परमात्मा है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है, सागर है और सर्वज्ञ, वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं, आधा आधा। इस बाबा ने ढेर गुरु के, किसने? दादा ने। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मात्रा, अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, और सतगुरु के सिवाय कोई पूज्य बना नहीं सकता। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते, क्योंकि अकेला थोड़ा स्वर में राजा रानी होगा, महाराजा महारानी सब होंगे, महाराजा महारानी, राजा रानी, दास दासी, रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा सब होगी, नौकर चाकर, इसलिए बाप का सबको बनाते हैं। आत्मा ये सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है, अब तो तमो प्रधान पुजारी है। यह पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है, सब विकार से जन्म लेते हैं, पूरी सिस्टम कस्टम बदल जाती है हर चीज़ की, जन्म लेने की भी। रावण राज है ना, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्यों? क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, विकार ही नहीं है वहाँ, इसलिए वहाँ कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ रावण ही नहीं, अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज कब और रावण राज कब होता है एक कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा है ना, हिंदू सभा, ये सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। इस समय पारस बुद्धि बन रहे हैं, बाबा कहते सब क्या बन रहे हैं, पारस बुद्धि सब बन रहे हैं, इसलिए फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं, सब बनते हैं सतयुगी देवी देवता, मतलब उनके संस्कार आते कंप्लीट बनने के बाद ही देवी देवता कहलाता है। अभी कोई 20% है, कोई 50% है। बाप ने समझाया राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए सब है उसके अंदर, राजा रानी प्रजा दास दासी सब।
अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। सर्कस देखो, ड्रामा देखो, प्ले देखो, मूवी देखो, जो एक्ट करते हैं, कोई हीरो हीरोइन है, कोई साइड एक्टर है, यह है बेहद की बात। यहाँ कोई 3 घंटे 2 घंटे का सर्कस या मूवी की बात नहीं है, 5,000 वर्ष का जो साइकिल है उनकी बात है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो क्यों? रिफ्रेश होने के लिए। कहाँ? मधुबन जाते हैं, न कि हवा खाने के लिए। मैंने काफ़ी बच्चे बाबा को मिलने के लिए जाते हैं मगर वो सीरियसनेस नहीं होती है, वो गंभीरता नहीं है कि हम क्यों जा रहे। इसलिए बाबा उनकी याद दिला रहे हैं कि यहाँ कोई हवा खाने के लिए, मौज मजा करने के लिए नहीं आते। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं, जो पूरा ज्ञान नहीं है बाबा का, बाबा का बच्चा बना है, या तो कोई गेस्ट के रूप में जाता है तो बाबा के पत्थर बुद्धि है। वो क्या करता है? दुनियावी वाइब्रेशन मतलब देहवान के वाइब्रेशन लेकर जाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। श्रीमत के बिना माया पर विजय प्राप्त हो नहीं सकती। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है ना, हम सबका अनुभव है। कितना प्रयत्न करते हैं आत्मा समझने का और आत्मा देखने का, तभी देह की तरफ दृष्टि चली जाती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते, कहाँ? माउंट आबू मधुबन में बाबा की अवतरण भूमि है। दादा ने और दादियों ने बहुत ही वहाँ अच्छा पुरुषार्थ किया हुआ है, तो वहाँ बाबा खुद है तो कशिश होती है। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा क्या है? वो सब पॉजिटिविटी है, उसमें नेगेटिविटी व वेस्ट है ही नहीं। इसलिए उल्टी बात करने का कोई सवाल ही नहीं होता। बाप तो सत्य है ना, इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, सत्य संग। दूर से सब असत संग में, दूसरे सब असत संग में, वहाँ सत्य की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा वहाँ पढ़ाता है। वहाँ जो पढ़ते हैं आयदर मनुष्य पढ़ते हैं, वो भी शास्त्र जो पढ़ते हैं मनुष्य के द्वारा रचित शास्त्र ही पढ़ते हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है, क्योंकि वहाँ कोई परमात्मा नहीं पढ़ाते। तुम जानते हो सत एक ही बाप है। मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी हिस्ट्री कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको नहीं जानने के कारण को कहते हैं अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। फेथ है कि भगवान है, परमात्मा है, मगर पता नहीं है, बायोग्राफी नहीं है। आगा खां के देखो कितने फॉलोवर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलते, भेंट हीरो में वजन करते। ये 64-65 की बात है बाबा का, तब था ऐसा हुआ था, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। क्यों बाबा? रीजन बता रहे हैं। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है जो मकानों में लगाते हैं। वहाँ क्या है? हीरे जड़ित सोने के महल है देवी देवताओं के लिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरे का दान मिले, हीरो का दान मिले नहीं। हीरा बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्टली है। मनुष्य के पास बहुत पैसे है इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पापात्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है, क्योंकि जो लेता है वो भी क्या है? देने वाला जैसा ही है। पापात्मा मतलब जिसको ज्ञान ही नहीं है, देहबान में आकर जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म है, और पाप करने वाली है पापात्मा। अजामिल जैसी पाप आत्मा ये बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारा जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो क्या? भगवान उवाच। ये कोई दादा नहीं पढ़ाता है, कोई बहन व भाई नहीं पढ़ाता है, कोई दादी नहीं पढ़ाती है, पढ़ाने वाला खुद वो। इसलिए बाबा कहता हमेशा चित्रों के ऊपर लिखो भगवान उवाच, हमेशा लिखो। और आगे त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। शिव ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा त्रिमूर्ति का रचयिता
पांच तत्वों से न्यारा भगवान वो बोल रहा है। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मुंझेंगे, क्योंकि आजकल सब अपने को भगवान कहने लगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड, स्थापना पालना विनाश कराने वाला तीन मूर्तियों के द्वार। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं, है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, शिव शंकर ये कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे, हम कहते हो तो क्या है, साइंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो पूरा का पूरा विनाश का कार्य करता है, एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब मिसाइल द्वारा। वो कैसे ज्ञान देंगे, उनका काम है डिस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करने की बात ही नहीं। अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतिया हो, पार्वती पार्वतन में रहने वाली, मतलब दूर, वतन मतलब परम धाम, कौन रहती है, आत्मा। इसलिए बाबा कहते तुम सब पार्वतिया हो, अमर कथा सुनाने वाला अमरनाथ कौन है, परमात्मा। बाप तुम बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल भगवान ही देते हैं, भक्ति में भी लिखा हुआ, मगर कौन भगवान है उनके बारे में क्लैरिटी नहीं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं, पिता है वो सब आत्माओं का, क्योंकि भगवान आदि अक्षर लगाने से जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, तो बाबा हुआ ने, पिता हुआ ने वो। बाप समझाते क्या, आत्माओ में ही संस्कार भरे जाते, शरीर में नहीं भरा जाता। आत्मा निर्लेप नहीं है, कहीं कहते ना आनंद कर लो, आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है, जो करना हो करो, इसलिए मिसयूज करते हैं जो बात कही है उनका। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती, तब कहती मान लो है निर्लेप, तो आत्मा पतित बनती ही नहीं, वो पुण्य आत्मा ही रहती, देवात्मा ही रहती। जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी है क्या, भ्रष्टाचारी जिसका आचरण भ्रष्ट है वो देवता, ये श्रेष्ठाचारी जिसका आचरण प्रैक्टिकल लाइफ, आचरण मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, जो श्रेष्ठ है, इसलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं। हमारी कोई पूजा नहीं करता क्योंकि हमारा आचरण श्रेष्ठ नहीं है, उन्हों का जैसा नहीं है। उन्हों की महिमा गाते हैं क्या, आप सर्वगुण संपन्न हो, कहते ना सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकार, और अपने लिए हम नीच पापी कल कामी है, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। इसलिए द्वापर से देह बान आया, देवता धर्म कह नहीं सकते, इसलिए बिंदु सिंधु की पूजा करते थे हिंदू, स्थान हिंदुस्तान। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं, इसलिए कहते हैं क्या, मनुष्य को किए देवता करत न लागी वार, ज़्यादा समय बाबा को नहीं लगता है, 100 साल में पूरा करके चला जाता है। गुरु नानक के ग्रंथ में भी महिमा है, सिख लोग कहते हैं क्या, सत्य सरी अकाल, सत्य मतलब सत्य परमात्मा, श्री मतलब श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, अकाल मतलब जिसको काल खा नहीं सकता, क्योंकि शरीर ही नहीं, शरीर होगा तो काल खाएगा, मृत्यु आएगी। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते हैं एक है, करते फिर दूसरा है, बोलते रहते एक, मानते अनेक को, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं, खुद वो आ जाता है दुनिया में। तुम्हारे में भी नंबर वार है, ब्रह्मा कुमार सब सिमिलर नहीं है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं, बाबा क्लियर बोल देता है। कई यहाँ से निकले और खलास, माउंट आबू से बाबा कहते निकले और खलास, बाबा मना करते बच्चे कभी भी संसारी जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो, प्रैक्टिकल में लाना, 24 घंटे में देखे हम क्या करते हैं। कहीं तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते हैं और सुनाते भी रहते हैं,
बाप के महावाक्य भूल जाते, दूसरे की बात याद रहती है, बाबा जो कहता है वो भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजा कर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया क्या क्रिश्चियन सॉरी श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध, उनके दोनों की राशि मिलती है, क्राइस्ट और श्री कृष्ण, कृष्ण और क्राइस्ट दोनों की। श्री कृष्ण की राजाएं होती है ने, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है, वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। स्वयंवर के बाद ही श्री राधे श्री कृष्ण बनते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तब तक श्री कृष्ण है। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है और छोटा बच्चा पवित्र होता है। दुनिया में पता नहीं है कि ये राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण को शास्त्र के अंदर द्वापर में ले, इसलिए कनेक्शन टूट गया। इसलिए बाबा कहते हैं कृष्ण की महिमा क्यों जास्ती अलग क्यों कर दिया, क्योंकि छोटा बच्चा है श्री लक्ष्मी नारायण से भी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पवित्र है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया क्या, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला, कैसा होता है सत्य में। बाबा ने सब कुछ साक्षात्कार के द्वारा बताया है। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है, जो हुआ सो ड्रामा, उसमें भी उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। बाबा कहते हो गया, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, इसलिए संकल्प ज़्यादा नहीं चलाओ, यह तो ड्रामा बना हुआ है ने। हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार, किसका, शिव बाबा का भी। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है ड्रामा के अंदर। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या, बाबा पूछ रहा, क्या चीज है और कभी देखा है क्या, सिर्फ चित्र देखते हो, लौकिक में किसी को देखा, मोर देन वन हेड हो, 10 सिसको सिर हो, इसलिए बाबा का चित्र देखते हो सिर्फ। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है, शिव बाबा का तो ज्योतिर्लिंग में, रावण का क्या रूप है। पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है, तब तक रावण नहीं, रुलाने वाला रावण मतलब। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो क्या, हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है, यहाँ शरीर भी आसुरी है, शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खल उतार देंगे, मतलब ये शरीर बदल देंगी आत्मा, फिर तुमको सतो प्रधान खल मतलब शरीर मिलेगी, मिल जाएगी सतो प्रधान, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा कंचन हो, जैसी आत्मा वैसी काया, वैसा शरीर। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा ने, सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती, कहाँ बुद्धि में, विजुलाइज करना है बुद्धि से और मन से थॉट देना है, इसको ही कहते हैं स्वदर्शन चक्र, अपना खुद का दर्शन चक्र के अंदर। मनुष्य कुछ भी नहीं जानती है। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए, हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको भी पता नहीं है, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है, पूछेगा कौन, पूछा जाता है गुरु लोगों से, जो सामने उनको पूछेंगे वो तो चले गए। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो गुरु लोगों को, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है, इतना समझाना पड़ता है, बाबा कहते गला ही खराब हो जाता है, बाबा को भी और बच्चों को भी। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ने, जिन्होंने समझा है, दूसरों को थोड़ा सुनाएंगे, दूसरा को सुनाएंगे तो मानेंगे भी नहीं, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। बाबा का काम नहीं, वो काम है बच्चों का, दूसरों को ज्ञान देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, जो भी सेवा है कार्य है हमारा वो सब, फिर अपनी मस्ती में रहना है। मस्त फकीर बाबा कहते, सब फिकरात बाबा को दे दो, व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं, सुन ली आगे एक्शन नहीं करनी, एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं। हमें जो भूलना चाहिए उसको भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए उसको याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे, किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है, ड्रामा में पूरा निश्चय। वरदान है मैं अपन को बाबा में समा देने वाले, मैं की जगह बाबा कहते बाबा बाबा लगा दे रहो, तो मैं अपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव, तो निरंतर योगी बन सकेंगे, ईजी योगी बन सकेंगे, कब, जब मैं अपन की जगह बाबा बाबा यूज कराएंगे, मैं की जगह, तो बाबा समझाते हैं, जिन बच्चों का बाप से हर सांस में प्यार है, हर सांस में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है क्या, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा, मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम्ही साथ रहना, तुम्ही साथ खाना चलना फिरना आदि आदि, या इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। आज का स्लोगन है, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, बिल्ली कैसे आती है, दबे पैर, चूहे को पता भी नहीं होता है और गर्दन से नोच लेती, माया भी मैं के रूप में आती है, पता नहीं पड़ता है और देह अभिमान में ले आती है, इसलिए बाबा कहते हैं माया बिल्ली का आह्वान करना, मैं करना, और बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी, माया को भगाने नहीं, बाबा के ज्ञान में चलते रहो तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ये बाबा की कमाल है, हम सब की लाइफ का ये अनुभव भी है। अच्छा, ओम शांति।